प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस देखा, क्वेश्चन पेपर देखा। यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है, डिफिनेशंस है, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, इसको प्रोजेक्ट फेजेस कहते हैं, एंड डिसीजन है। कल हमने प्रोजेक्ट के डिफिनेशंस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, प्रोजेक्ट का डिफिनेशंस क्या क्या है। आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या डिफिनेशंस है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या डिफिनेशन है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज लिटरली एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को इन्वेस्ट करना है टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंजम्पशन। किसी भी आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट ऑफ द रिसोर्सेस है, इसी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस है, इसी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं। एलिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल इंक्लूड द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर। कल मैं मिशन की बात कर रहा था, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा था, कंपनी की बात कर रहा था। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब है ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड करना, पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस को इंक्लूड करना, रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स को इंक्लूड करना, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या क्या है, प्रोसेस इंप्लीकेशंस क्या क्या है, रिव्यू ऑफ द आउटपुट, फीडबैक एंड रिविजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल का आपको, यही जो है आपका मतलब है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या क्या है, प्रोसेस इंप्लीकेशंस क्या क्या है, रिव्यू ऑफ द आउटपुट और फीडबैक क्या क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे पॉज हो गया ये है, पॉज कैसे हो गया ये देखना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको डिफिनेशन यहां पर आपको बताया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज प्लानिंग, प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, मॉनिटरिंग करना है एंड कंट्रोल करना है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के जितने एस्पेक्ट्स हैं उसको प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है। एंड मोटिवेशन ऑफ द All involved to achieve the project objective, और motivate करना है जितने people इसमें involved हैं उसको motivate करना है, जिससे कि project का जो objectives है उसको जो है fulfill किया जाए within a specified time, time के साथ में, cost के साथ में और performance के साथ में। यही project management का आपको definition है। Project को plan करना है, ऑर्गेनाइज करना है, मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है। जितने पीपल इन्वॉल्व हैं उसको मोटिवेट करना है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट है उसको अचीव करने के लिए उसको मोटिवेट करना है विद इन ए डिफाइंड टाइम, एक टाइम के अंदर, एक कॉस्ट जो दिया हुआ है उसके अंदर, और जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस को अचीव करना है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको डिफिनेशन है ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कई डिफिनेशंस आपको यहां पर आपको दिए हुए हैं।
ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ये चार आपको डिफिनेशन यहां दिए हुए हैं और दो डिफिनेशन मैं अभी ऑलरेडी आपको यहां पर आपको कर दिया, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आपको डिफिनेशन आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नथिंग बट द प्लानिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द कंपनी रिसोर्सेस, कंपनी के जितने रिसोर्सेस हैं उसको प्लान करना है, डायरेक्ट करना है और कंट्रोल करना है ना, फॉर ए रिलेटिवली शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफिक गोल्स। हर एक कंपनी का अपना अपना गोल होता है, अपना अपना मिशन होता है, अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस मिशन को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिसोर्सेस का प्लानिंग करना है, डायरेक्टिंग करना है, कंट्रोल करना है, यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपका डिफिनेशन है। कई डिफिनेशन आपको यहां पर आपको दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ए स्पेसिफिक वे ऑफ द प्लानिंग, प्लानिंग का एक स्पेसिफिक वे है, इंप्लीमेंटिंग का स्पेसिफिक वे है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का आपको वे है, सच एज टाइम मनी एंड मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेस मैन पावर विद द इंटेंशन ऑफ अचीविंग द बेसिक ऑब्जेक्टिव और द गोल। जो टेक्निकल गोल है, जो कॉस्ट का जो गोल है, प्रॉफिट का गोल है, टाइम का गोल है, उसको आपको अचीव करना है विद फॉर्मुलेटिंग ए प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको दूसरा डिफिनेशन आपको यहां पर आपको दिया गया है ना। सारे डिफिनेशन आपको दिए हुए हैं, सभी का एक ही जो है पर्पस है, एक ही आपको प्लानिंग है कि इसमें अगले डिफिनेशन में दिया हुआ है डिफाइनिंग व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है, प्लानिंग करना है, मेंटेनिंग इट्स इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, एंश्योरिंग दैट इट इज टू बी डन एंड परफॉर्म एज डिजायर्ड, जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का उसके अकॉर्डिंग जो है परफॉर्म करना है विद इन द टाइम एंड कॉस्ट बजट, टाइम एंड कॉस्ट के बजट के अकॉर्डिंग आपको उसको उसको करना है। यूजिंग द अप्रोच, यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज टू बी अचीव, ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको कंप्लीट डिफिनेशन आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। लास्ट डिफिनेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ द एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द एक्टिविटी वेयर इन द मैनेजर प्लान्स, जो मैनेजर आपको प्लान करता है, ऑर्गेनाइजेज द स्टाफ, स्टाफ को ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट्स करता है एंड कंट्रोल करता है टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव विथ कॉन्स्टेंट ऑन द टाइम कॉस्ट कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंड प्रोजेक्ट। सभी कंपनी में टाइम कॉन्स्टेंट होता है, कॉस्ट कॉन्स्टेंट होता है, ये चीज को देख करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटी करता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको डिफिनेशन से आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है वो आपको यहां पर आपको आपको क्लियर हो जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आखिर होता क्या है, ये आपको यहां पर आपको यहां पर तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिफिनेशन हम लोगों ने क्लियर कर लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो हम लोगों ने आपको आपको क्लियर कर लिया। नाउ व्हाट आर द प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है कि फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, आपको क्या क्या है वो आपको यहां पर आपको आपको दिया हुआ है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फ्यूचर,
ये आपको आपको ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ये आपको देखिए यहाँ पर 16 फीचर्स हैं, उसके बारे में आपको बताए हुए हैं कि प्रोजेक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, वो आपको यहाँ पर आपको एक एक करके आपको बताया हुआ है जो प्रोजेक्ट का क्या क्या फीचर्स है वो आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। इट इज कस्टमरी टू यूज टर्म्स एज द सीमेंट प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, रिफाइनरी प्रोजेक्ट एंड एंड देम प्रोजेक्ट इज रिप्लेस देम एज ए प्लांट एज ए सून ए प्लांट इज ऑपरेशनल और द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। किसी भी प्रोजेक्ट को जो कंपनी का नाम है उसके अकॉर्डिंग देते हैं, है ना। सीमेंट प्रोजेक्ट हो गया, पावर प्रोजेक्ट हो गया, इसमें ऑल वर्क्स आर रिलेटेड, आपको सारे वर्क इसमें आपको आपको रिलेटेड है। टू अचीव द वन मिशन, उसको आपको प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। एक मिशन को अचीव करने के लिए, सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, पावर को प्रोड्यूस करने के लिए आपको रिफाइनरी प्रोजेक्ट, आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए प्रोजेक्ट का मतलब है टू अचीव द वन मिशन, एक मिशन को अचीव करना, उसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। तो उसको उसी को हम लोग प्रोजेक्ट कहते हैं। ये पहला करेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है, इट इज मैनेज बाय द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, इसके द्वारा ये आपको प्रोजेक्ट जो है आपको कंट्रोल होता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट में जितने भी चीजें लगती हैं उसको रिसोर्सेस बोलते हैं। ए प्रोजेक्ट हैज ए नंबर ऑफ द रिसोर्सेस, ये आपको दूसरा करेक्टरिस्टिक है। तीसरा, फोकस होना चाहिए, गोल होना चाहिए, मिशन क्या है प्रोजेक्ट का वो आपको आपको क्लियर होना चाहिए प्रोजेक्ट में कि प्रोजेक्ट का गोल क्या है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। सीमेंट प्रोजेक्ट जैसे यहां पर आपको बताया कि वहां पर सीमेंट आपको प्रोड्यूस करना है, सस्ते दाम में आपको सीमेंट प्रोड्यूस करना है, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, मिशन क्या है प्रोजेक्ट का वो क्लियर होना चाहिए, गोल क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। जब आपका मिशन कंप्लीट हो गया आपका, इसका मतलब है आपका प्रोजेक्ट जो है आपका आपका कंप्लीट हो गया। ये फोकस होना चाहिए, तीसरा जो आपको करेक्टरिस्टिक्स है आपको फोकस है। चौथा करेक्टरिस्टिक्स है लाइफ स्पान, लाइफ स्पान का मतलब है हर एक प्रोजेक्ट का अपना टाइम बाउंड होता है, टाइम होता है हर एक चीज को कंप्लीशन के लिए, उसका शेड्यूल बनता है, उसी को शेड्यूल को मैंने पट सीपीएम आपको दिखाया था, उसमें एक्टिविटी का सभी का आपको टाइम आपको दिया हुआ रहता है, टाइम में कंप्लीट करना है, उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। आपको यूनिक होना चाहिए प्रोजेक्ट जो है, आपको यूनिक होना चाहिए, हर एक एक्टिविटी आपको सिंगल एक्टिविटी टाइम के साथ आपको करना चाहिए, आपको प्लान जो है आपको एक्सक्यूशन जो है साथ साथ होना चाहिए। ये आपको प्रोजेक्ट का करेक्टरिस्टिक्स आपको दिया हुआ है। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट। यूनिटी इन द डाइवर्सिटी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर देयर, पीपुल्स आर द डिफरेंट आर देयर, इन्वायरमेंटल। एक मारुति कंपनी में कई जगह के पीपुल आते हैं लेकिन सबका एक ही मिशन होता है कि वहां पर अच्छे आइटम आ जाए, अच्छे गोल प्रोडक्ट करना। तो दिस इज द यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, अगर प्रोजेक्ट में कोई मॉडिफिकेशन होता है, चेंजेज होता है, तो वो जो है वहां पर आप कर सकते हैं, ओरिजिनल प्लान्स क्या है उसको चेंज कर सकते हैं,
ओरिजिनल प्रोग्राम किया है उसको चेंज कर सकते हैं, जो बजट मिला है उसको चेंज कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जो ओरिजिनल 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 प्रोजेक्ट को प्लान दिया हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं, ओरिजिनल जो प्रोग्राम दिया है उसको चेंज कर सकते हैं, ओरिजिनल जो बजट दिया हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी का आपको मतलब हो गया। टीम स्पिरिट होना चाहिए। हर एक पर्सन जो है टीम के साथ काम करना चाहिए। जो डिफरेंट इंडिविजुअल है उसमें आपको टीम में काम करने की आपको स्पिरिट होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए। आपको सभी का जो एक्सपीरियंस को यूज करके इसमें आपको टीम स्पिरिट होना चाहिए। ये आपको आठवां करैक्टरिस्टिक्स है। नवां करैक्टरिस्टिक्स है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। प्रोजेक्ट में हमेशा रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होता है, वो आपको इसमें आपको एसोसिएटेड होता है। वेरियस लाइफ साइकिल फेजेज होता है, वो आपको टाइम में आपको कंप्लीट नहीं होता है। कई तरह के प्रोजेक्ट हैं, उसमें आपको रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी होता है। इसको आपको तो प्रोजेक्ट में आपको रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होता ही होता है। किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है उसमें उसमें आपको रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आपको होता है। सर यूनिट हो गई कंप्लीट एक? नहीं नहीं, यूनिट तो आज शुरू किया है ना मैंने, कल प्रोजेक्ट का डिफिनेशन बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा, बंद कर देना। ठीक है सर, मैं फिर से आपको आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपका यूनिट का आपका सिलेबस है, यूनिट फर्स्ट का डेफिनेशन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। हाँ, डिसीजन यही आपका यूनिट फर्स्ट का आपको सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है सर, तो ये प्रोजेक्ट मतलब जो छोटा सा ये सर, ये जल्दी हो जाएगी कंप्लीट? हाँ जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ये आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसमें प्रोजेक्ट का डिफिनेशन मैंने बताया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको डिफिनेशन वो मैंने आपको बताया, और प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको चल रहा है। प्रोजेक्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको ये चल रहा है ना। प्रोजेक्ट का क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये 16 करेक्टरिस्टिक्स आपको दिए हुए हैं। ये 16 करेक्टरिस्टिक्स आपको दिया, आपको आपको चल रहा है। स्टेटमेंट ऑफ द वर्क होना चाहिए, स्पेसिफिक टास्क डिफाइंड होना चाहिए, ऑपरेशन और एक्टिविटी क्या क्या है उसको करना है, क्या क्या है जो प्रोजेक्ट का गोल है वो आपको आपको अचीव होना चाहिए। जो ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द वर्क है वो हर एक आदमी का आपको डिफाइन होना चाहिए। जो आपको कब स्टार्ट करना है, कब कंप्लीट करना है, ये आपको आपको माइलस्टोन आपको होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ द वर्क प्रोजेक्ट में आपको होना चाहिए, किस आदमी को क्या काम करना है, कब से शुरू करना है, कब खत्म करना है, ये माइलस्टोन होना जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ द वर्क। हेलो सर। सर सर, मैं कह रहा था सर अटेंडेंस ले लेते शेखर जी 41 इज प्रेजेंट, रौनक कुमार जी 39 इज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। अभिषेक कुमार दुबे जी रोल नंबर 2 इज प्रेजेंट। आकाश पवार जी रोल नंबर 3 इज प्रेजेंट। आशीष जी 7 इज प्रेजेंट। चंदन शाह जी 8 इच प्रेजेंट। गौरव कुमार जी 16 इच प्रेजेंट। हिमांशु पुंडीर जी 18 इच प्रेजेंट। हिमांशु जी 17 इच प्रेजेंट। जितेंद्र राणा जी 23 इच प्रेजेंट। नंदनी जी इच प्रेजेंट।
Ramdat Bhatt, 38 is present. Ankit Sharma ji, 6 is present. Karthik ji, 24 is present. Rishabh Nayak ji, 54 is present. फिर से मैं बोल देता हूं कौन कौन प्रेजेंट हैं। शेखर जी 41 इज प्रेजेंट, 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे इज 2 इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट, आशीष जी 7 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट, नंदनी जी इज प्रेजेंट, रामदत्त भट्ट 38 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, कार्तिक जी 24 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट। है ना, तो ये सारे आज जो है प्रेजेंट हैं। तो मैं आपको प्रोजेक्ट का जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में आपको आपको डिफाइन करना है। इलेवेंथ करेक्टरिस्टिक्स है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का मतलब है एवरी प्रोजेक्ट में आपको रिसोर्सेस होते हैं, इनपुट्स होते हैं, जिसको कि आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। इसको प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। The output in the short run leads to the outcome, while long run it results in the impact. ये आपको सभी प्रोजेक्ट में आपको इनपुट से आउटपुट में आपको कन्वर्ट किया जाता है, इसको इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। 12th characteristics है टास्क। सभी जो ग्रुप होता है ग्रुप में टास्क दिया जाता है, आपको टास्क को डिफाइन किया जाता है, टास्क को डिफाइन करके सभी सभी पीपल में आपको असाइन किया जाता है, काम करने के लिए आपको दिया जाता है, इसको टास्क बोलते हैं। अगला करैक्टरिस्टिक्स है वर्क पैकेज। वर्क पैकेज का मतलब है आपको किसी भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी को करने के लिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए क्या करना है उसको डिफाइन करना किया जाता है। व्हेन इट इज टू बी स्टार्टेड ये डिफाइन किया जाता है, व्हेन इट इज टू बी कंप्लीटेड इसको डिफाइन किया जाता है, जो बजट है उसको डिफाइन किया जाता है, जो मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस है उसको डिफाइन किया जाता है, जो माइलस्टोन्स है कब खत्म करना है इसको डिफाइन किया जाता है, इसको आपको आपको वर्क पैकेज बोलते हैं। The completion of the design is known as the work package. ये आपको आपको work package आपको आपको ये बताया जा रहा है। अगला आपको characteristics है subcontracting. Subcontracting का मतलब है इसमें आपको subset होते हैं, इसमें एक एक जो है छोटे छोटे सारे एक दूसरे से जुटे होते हैं, कई वेंडर्स इसमें होते हैं, उसका रिलेशंस आपको करना होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे आपको दिया जाता है, वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है, और अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी डिलीवरी एंड द प्राइस एंड द सर्विस आपको वेंडर का परफॉर्मेंस को, कॉन्ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस को आपको फुलफिल किया जाता है, इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। सभी मारुति कंपनी के कई वेंडर्स हैं तो उसको सब सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं, वो वेंडर को देते हैं काम और वो वेंडर जो है क्वालिटी के साथ में करता है, अपना डिलीवरी अपना टाइम पे करता है और जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग करता है, उसके अकॉर्डिंग सर्विस करता है, इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। वेंडर्स को काम देना, सप्लायर का कैटलॉग रखना, ट्रेड जर्नल के अकॉर्डिंग कौन कौन से डायरेक्टरी रखना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस रखना, सब कॉन्ट्रैक्टर को लोकेट करना, ये आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहलाता है। वेंडर के साथ में रिलेशन,
कॉन्ट्रैक्टर के साथ में रिलेशन, तो हर एक प्रोजेक्ट में आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है। कई वेंडर्स, किसी भी कंपनी के कई वेंडर्स होते हैं, उसके साथ में आपको रिलेशन रखना पड़ता है, उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। वेंडर्स के साथ में रिलेशन को मेंटेन रखना, वेंडर के साथ में आप जो है कब जो है टाइम पूरा किया है नहीं किया है इसको आपको करना, इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। ये आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहलाता है। और पांचवा एलिमेंट है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग डिटेल से जो है उसको हम लोग जो है इसके बाद जो है पढ़ेंगे। इसमें जो फेजेज है, ये फेजेज आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में कंसेप्शन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, उसके बाद प्लानिंग होता है, प्लानिंग और अप्रेजल फेज होता है जिसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जाता है, आपको आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको किया जाता है, प्लानिंग फेज होता है। उसके बाद एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट किया जाता है, ऑर्डर को एक्सिक्यूट किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद फॉलो अप फेज होता है, मॉनिटरिंग फेज होता है। सर हाँ बताइए। रोल नंबर 2 की अटेंडेंस लग गई। रोल नंबर कितना? रोल नंबर बता रहे सर? रोल नंबर 2। हाँ रोल नंबर 2 अभिषेक दुबे जी। हाँ सर। और सर हिमांशु पुंदीर की लग गई? हिमांशु पुंदीर जी की भी लग गई। अभिषेक दुबे जी अभिषेक सर अभिषेक दुबे जी की भी लग गई, हिमांशु पुंदीर जी की भी लग गई। हिमांशु 17 की भी लग गई। तो ये आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है जिसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। फॉलो अप फेज होता है, मॉनिटरिंग फेज होता है, उसमें आपको MIS से आपको देखा जाता है, टाइम कंट्रोल किया जाता है, कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है। ये आपको फॉलो अप मॉनिटरिंग फेज होता है, ये आपको आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, ये आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है। किसी भी प्रोजेक्ट का आपको लाइफ साइकिल है, वो जो है प्रोजेक्ट मैनेजर उसको आपको आपको कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल करता है, ये आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है। और 16 आपको फिजिबिलिटी स्टडी है। व्हाट इज द फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट? ये पहले करना आपको जरूरी होता है। टेक्निकल फिजिबल है कि नहीं है, फाइनेंशियली फिजिबल है कि नहीं है, इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं है, कमर्शियली फिजिबल है कि नहीं है, सोशली आपको फिजिबल है कि नहीं है, मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रूप से आपको फिजिबल है कि नहीं। ये फिजिबिलिटी स्टडी किसी भी प्रोजेक्ट का आपको किया जाता है, ये प्लानिंग स्टेज है। इट इज बेनिफिशियल फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ द व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिकल व्यू में आपको किया जाता है। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव आपको रियलिस्टिक हो, ये आपको फिजिबिलिटी स्टडी होता है। तो हम लोगों ने आज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। व्हाट आर द प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक्स, प्रोजेक्ट का क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या डिफिनेशन है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। व्हाट आर द डिफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द डिफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, इसके बारे में स्टडी किया। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, व्हाट आर द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है, कोई भी प्रोजेक्ट किया जाता है उसको ऑब्जेक्टिव को जरूर अचीव किया जाता है। आपको 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो परफॉर्मेंस है, कमिटमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर विद इन द बजट है, और तीसरा टाइम स्केल है। टाइम के अकॉर्डिंग जो है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना आपको जरूरी होता है। एक्सपेंडिचर और विद इन द बजट ऑफ द स्मूथ रनिंग के लिए आपको जरूरी है। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको एक्सपेंडिचर बजट आपको आपको यूज करना जरूरी है। स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी आपको ये जरूरी है।
सर अटेंडेंस ले लेना। हाँ क्या नाम है आपका, नाम बताइए। सर आकाश पवार। आकाश पवार जी का अटेंडेंस हो गया है, आकाश पवार जी का। ओके सर, ओके थैंक यू। आकाश पवार जी का हो गया। तो ये आपके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है, तीन मेल ऑब्जेक्टिव होता है परफॉर्मेंस के साथ में, एक आपको करना स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस को, रिलायबिलिटी को और सेफ्टी को पूरा करना, ये आपको तीन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। और जितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपको यहां पर आपको बताया गया है। टाइम स्केल के साथ आपको करना है, ये आपको आपको बताया गया है। ये प्रोजेक्ट में हैव द मेनी ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ये आपको ये ऑब्जेक्टिव आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए, अवॉइडिंग अनप्रूवेंट इक्विपमेंट होना चाहिए, सेफ्टी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, डिजाइनिंग फॉर द पार्टिकुलर प्रोजेक्ट लाइफ होना चाहिए, सेफ्टी फॉर द मेंटेनेंस होना चाहिए, मिनिमाइजिंग द स्टार्टअप टाइम होना चाहिए, इनहांस्ड पब्लिक इमेज होना चाहिए, सेफ्टी ड्यूरिंग ऑपरेशन होना चाहिए। ये सारा आपको ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर टिपिकल ऑब्जेक्टिव आपको दिया हुआ है, तो किसी प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फास्टेस्ट कंप्लीशन टाइम होना चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट को फास्टेस्ट कंप्लीशन करें, हाई लेवल ऑफ द ऑटोमेशन होना चाहिए। जो इंडियन कंपनी है आपको ऑटोमेशन में ही पीछे पड़ जाती है, यूरोपियन कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में हाई लेवल ऑफ द ऑटोमेशन होता है, इससे वो सक्सेस कर जाता है। लोएस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लोएस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट होना चाहिए, ऑपरेशनल कॉस्ट आपको आपको लोएस्ट होना चाहिए, रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन जो भी है वो आपको कंप्लीट रिलायबल होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यूज ऑफ द लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर, यहां पर आपको मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी में आपको सब कॉन्ट्रैक्टर का होना जरूरी होता है, सब कॉन्ट्रैक्टर होते ही होते हैं, वेंडर्स होते ही होते हैं, तो यूज ऑफ द लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए, यूज ऑफ द लोकल सप्लायर को आपको यूज करना चाहिए। तो ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव है, किसी कंपनी का प्रोजेक्ट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या क्या है वो आपको यहाँ पर आपको क्लियर किया गया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वो सिक्स बेसिक फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो डिफाइन करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिक सिक्स फंक्शंस आपको क्या क्या है ये आपको यहां पर आपको दिखाता है। मैनेज द प्रोजेक्ट स्कोप टू डिफाइन द गोल एंड द वर्क टू बी डन इन द सफिशिएंट डिटेल टू फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्ट परफॉर्मेंस बाय द पार्टिसिपेंट्स। प्रोजेक्ट का जो स्कोप है, डिफाइन द गोल्स, गोल को डिफाइन करना चाहिए, वर्क इज टू बी डन इसको आपको डिफाइन करना चाहिए। मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट इफेक्टिवली, जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको आपको मैनेज करना चाहिए। मैनेजिंग द कम्युनिकेशन टू सी द एप्रोप्रिएट पार्टी आर इन्फॉर्म एंड हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू कीप द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड। मैनेज द टाइम, टाइम को मैनेज करना चाहिए बाय प्लानिंग एंड मीटिंग द शेड्यूल, ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको बेसिक फंक्शन है। मैनेज द क्वालिटी, क्वालिटी को मैनेज करना चाहिए सो दैट द प्रोजेक्ट रिजल्ट आर द सेटिस्फैक्टरी। मैनेज द कॉस्ट सो दैट द प्रोजेक्ट इज परफॉर्म एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में आपको करना आपको जरूरी है, विद इन द बजट आपको कंप्लीट करना आपको जरूरी है। ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिक्स बेसिक फंक्शन है जो आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। छह बेसिक फंक्शन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, डिफाइन द गोल्स, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, डिफाइन द मिशन ऑफ द प्रोजेक्ट,
प्रोजेक्ट का मिशन क्या है, प्रोजेक्ट का गोल क्या है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको डिफाइन करना है, प्रोजेक्ट का स्कोप को वो डिफाइन करना है, ह्यूमन रिसोर्सेस को मैनेज करना है, मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेस इफेक्टिवली फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये आपको दूसरा आपको फंक्शन, कम्युनिकेशन को आपको मेंटेन करना है, एप्रोप्रिएट पार्टी को कम्युनिकेशन जो है सही होना चाहिए, कीप द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड, किसी भी प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेटेड आपको होना चाहिए। टाइम के साथ में प्लानिंग होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए, टाइम के साथ में प्लानिंग होनी चाहिए, शेड्यूल होनी चाहिए। मैनेज द टाइम एंड प्लानिंग एंड द शेड्यूल, ये आपको प्रोजेक्ट का आपका होना चाहिए। क्वालिटी होना चाहिए, सो द प्रोजेक्ट रिजल्ट्स आर द सेटिस्फैक्ट्री, क्वालिटी आपको होना चाहिए, सो दैट द प्रोजेक्ट रिजल्ट आर द सेटिस्फैक्ट्री। What are the objectives of the project? उसको हम लोगों ने स्टडी किया, जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, प्रोजेक्ट का फंक्शन क्या क्या है, वो हम लोगों ने स्टडी किया। और दूसरा, प्रोजेक्ट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। What are the project objectives और their, उसको हम लोगों ने स्टडी किया। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो डिफिनेशन था, उसको हम लोगों ने स्टडी किया। तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं। ये आपका यूनिट फर्स्ट का आपका सिलेबस है ना, यूनिट फर्स्ट का भी सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका यूनिट फर्स्ट का आपको सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है आपको। और ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिफिनेशन आपका कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आपको कंप्लीट हो गया। व्हाट आर द प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको ये आपको कंप्लीट हो गया है ना। What are the project characteristics are there? ये आपको कंप्लीट हो गया। 16 characteristics हैं, वो आपको यहां पर कंप्लीट हो गया है ना। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, प्रोजेक्ट फंक्शंस क्या क्या हैं, वो आपको बता दिया गया। What are the objectives are there? प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रोजेक्ट का क्या बेसिक फंक्शन होना चाहिए, 6 फंक्शन है उसको बता दिया गया। जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपको यहां पर आपको क्लियर कर दिया गया। व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस आर देयर, वो आपको यहां पर आपको क्लियर कर दिया गया। और कल हम कितने टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज आपको मैं फिर से आपको रिवीजन कर देता हूं। ये 6 बेसिक फंक्शंस हैं प्रोजेक्ट के। मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेस, मैनेजिंग द कम्युनिकेशन, मैनेजिंग द टाइम, मैनेज द क्वालिटी, मैनेज द कॉस्ट, मैनेज द गोल एंड द स्कोप। ये आपको 6 बेसिक फंक्शंस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। ये आपको 6 बेसिक फंक्शंस हैं, इसके बारे में आपको बता दिया। सर अटेंडेंस हो गई। हाँ, क्या नाम है आपका? हृदेश 18 19 सर। हृदेश 19। हृदेश प्रासर जी 19 हो गए। थैंक यू सर।